बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम पाठ पढ़ रहे हैं तितली और कली। देखो आपने इसमें देखा कि तितली और कली में कितना प्रेम है। तितली बार बार उस कली के पास मंडराती है और उसको कहती है कि कली तुम अपनी पंखुड़ियाँ यानी अपनी आंखें खोलकर खिल जाओ और पूरे वातावरण में महक को फैला दो, अपनी खुशबू को फैला दो। लेकिन तितली कली जो है वो अभी तक चुप थी। लेकिन जब तितली ने उससे खेलने की बात की तो वह खिल गई और हवा के साथ डाली पर इधर उधर डोलने लगी और तितली उसके आगे पीछे घूमने लगी। तो बच्चों देखो इसका सारांश क्या है। तितली और कली। तितली और कली शीर्षक कविता की कवित्री शोभा देवी मिश्र हैं। इस कविता में कवित्री कहती हैं कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली के पास जाकर कहा कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो यानी अब तुम अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो, अपनी सुगंध गली गली में फैला दो। खेलने की बात सुनकर कली चटकर खिल उठी। कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। काव्यांशों की व्याख्या। हरे डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। देखो बच्चों ये इसके शब्द अर्थ हैं। डाल पेड़ यानी पौधों की शाखा, नन्ही यानी छोटी, भली अच्छी, महक सुगंध। देखो बच्चों व्याख्या क्या है इस कविता की। एक पौधे की हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली थी। एक तितली उसके पास आकर बोली कि वह बहुत सुंदर लग रही है। तितली कली से बोली कि तुम अब जागो और अपनी आंखें खोलो और अपनी सुगंध को गली गली में पहुंचाओ। कली चटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। देखो बच्चों इसके शब्द अर्थ हैं। चिटकना यानी खिलकर, मुंह खोलकर, रंगीली सुंदर रंगों भरी, सुंदर रंगों से भरी। इसके शब्द अर्थ हैं चिटकना, खिलकर, मुंह खोलकर, रंगीली सुंदर रंगों से भरी हुई। अब है खेल की बात सुनते ही कली फैलकर खिल उठी। यह देखकर तितली कली को छूने चल पड़ी। अब बच्चों इसके प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर एक, तितली कली के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर है, तितली के कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने के लिए गई थी। प्रश्न नंबर दो, तितली और कली ने क्या खेल खेला? इसका उत्तर है बच्चों, कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल चल पड़ी। बच्चों आज के हमारे प्रश्न उत्तर यही थे, आगे के हम कल करेंगे। धन्यवाद।